दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा जिला बलौदा बाजार भाटापारा में असामाजिक और आपराधिक तत्वों ने नवोदित वंशाचार्य हुजूर उदित नाम साहेब पर हमला करने की कोशिश की। आश्रम पर पटाखों और पत्थरों से हमला किया गया। हमले के बाद पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन चल रहा है। कबीर साहेब पर हुए हमले में 50 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अब तक सिर्फ 18 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। आज कबीर समाज कलेक्टर को ज्ञापन देने राजनांदगांव पहुंचा था, जहां उनकी मांग है कि सभी 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कबीर समाज का आरोप है कि पुलिस सिर्फ 15 से 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर औपचारिकता निभा रही है। पुलिस आरोपियों को रिमांड में रखे और बाकी आरोपियों का भी पता लगाए। आपकी बात है, शॉर्ट कट ये बोलेंगे कि रात में देखो सब अपने अपने घरों में त्योहार मना रहे हैं, फटाखा फोड़ रहे, लेकिन जो हमारे सोलवा स्कूल है उदित मुनि नाम से, उसके ऊपर हमला बोलोगे, करीब 50-60 महिलाएं पुरुष हथियार और डंडा लेकर के गए, है ना, डंडा लेकर के गए, तो सब वहाँ वाले साधु संत बोल रहे थे, तो जब पता चला हमारे गुरु को बुलाए तो पता चला हम जब वहाँ गए हैं तो मुश्किल से देखो 50-60 में 10-15 लोग पकड़ा है, ठीक है, तुरंत तो जेल में नहीं डाला जाता, रिमांड पे रखा जाता है, रिमांड पे रखें तभी तो उबलेगा कि और कितने लोग थे, तुरंत जेल में डाल देंगे तो कहाँ से करेंगे। और ये जो खेल है ना, ये वहाँ का सरपंच है, ये सरपंच का पूरा राजनीति है, और उसके ऊपर ये सरपंच तो अकेला नहीं कर पाता, सरपंच में इतनी तो हिम्मत है ही नहीं, उनके ऊपर कोई बड़ों का ही हाथ है। और एक छोटी सी बात है, देखो ये मैं नहीं बोलूंगी, जैसे हम कोई भी मंदिर मस्जिद में जाके तो हम तो जहाँ हमारे धर्म गुरु बैठते हैं गद्दी में प्रवचन देते हैं, शाम होता है वहाँ शराब पीते हैं, मटन मछली खाते हैं, तो कबीर पंथ तो देखेंगे तो बोलेंगे ही। और हमारे जो उदित मुनि साहब है, जब वहाँ घूमने जाते हैं उनके हाथ जोड़ करके कहा गया कि देखो प्रेम से बोलेंगे कि यहाँ आप लोग ये काम मत किया करो, हमारे एनजीओ का स्थान।